hello dear children welcome to my channel msp educator children we are learning lesson number two plants structure and function okay and in that we are uh, discussing about the first part of the plant and that is root okay in part one of this lesson we have completed the discussion till the tap root and fibrous roots okay ना वी विल सी फर्दर इन दिस वीडियो ओके सो प्लांट्स लाइक मेज शुगरकेन सोर्गम हैव टू टाइप्स ऑफ फ्रूट्स येस लाइक दिस प्लांट्स मीन्स कॉर्न शुगरकेन मीन्स गन्ना एंड सोर्गम मीन्स जवार लाइक दिस प्लांट्स हैव टू टाइप्स ऑफ फ्रूट्स ओके सो जिन प्लांट्स को दो प्रकार के रूट्स होते हैं उनको अभी हम क्या बोलेंगे दैट वी विल सी सम रूट्स आर अंडरग्राउंड वेर एज सम ग्रो फ्रॉम द स्टेम जस्ट अबो द सॉइल कुछ जो रूट्स होते हैं वो जमीन के अंदर होते हैं और कुछ जो रूट्स होते हैं वो स्टेम के साथ सॉइल के ऊपर ग्रो करते हैं ओके द लेटर आर कॉल्ड एडवेंटेशियस रूट्स और उनको ही हम क्या बोलते हैं एडवांटेजियस रूट्स सी ही फिगर नंबर टू पॉइंट फोर हेयर मेज टॉक पिक्चर इज शोन टू यू ये जो है ये मेज़ का स्टॉक है या फिर स्टेम है ओके okay? And these are the roots which grow on the soil along with the stem. Okay. Like these roots are called as means those plants are having two types of roots are called as advantageous roots. Okay. Besides the normal functions like absorption of water mineral and anchoring and supporting the plant, roots perform some other functions too. Means uh, roots ka jo normal function hai that we all know. And that is to absorb the water and mineral from the soil. Again, anchoring means to hold tightly uh, to the soil. Okay. And support. Support, sabko pata hai na? they are giving support to the plant. These are the normal functions. Then roots show some modifications to perform these additional functions. Roots again showing some additional functions also. So, for that purpose, they are modifying themselves. Okay. Some examples of such modified roots are aerial roots, stilt roots, runners, breathing roots, means pneumatophores, etc. Okay, so now why they are uh, doing modifications in them according to the functions of the roots, the names are also given to them. Yes, now one by one I will tell you the function of these modified roots. So, aerial roots. द फंक्शन ऑफ एरियल रूट्स इज टू एब द मॉइस्चर फ्रॉम द एयर एयर में से मॉइस्टर एब्सऑप करने का काम करते हैं फंक्शन टू सपोर्ट द प्लांट अबव द सॉइल ओके जमीन के ऊपर प्लांट को सपोर्ट करने का फंक्शन उनका होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन प्रोपागेशन मतलब मूवमेंट वेजिटेटिव का मतलब होता है प्लांट्स का जो मूवमेंट होता है एंड इट इज अ टाइप ऑफ रीप्रोडक्शन ओके ड्यू टू दैट रनिंग रूट्स द प्लांट इज रीप्रोड्यूसिंग अंडरस्टूड दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज रनर्स नेक्स्ट इज ब्रीदिंग रूट्स द फ्क्शन ऑफ दीज रूट्स आर इन द नेम ओनली दे आर डूइंग द फंक्शन ऑफ ब्रीदिंग अंडरस्टूड एवरी वन Now see fourth experiment. Already we have learnt three experiments. Okay. Now this is the fourth experiment. Take some water in a small glass jar. Put a plantlet in it in such a way that its roots are dipped in the water. See this figure number two point five. It is of water level. A glass jar is shown to you, and it is halfly filled with water. एंड प्लांटलेट और सैपलिंग और जिसको हम पौधा बोलते हैं उस इस पौधे को इसमें इस तरह से रखना है कि इसके जो रूट्स है वो पानी के अंदर हो ओके नो मार्क द वाटर लेवल ऑन द जार हियर यू आर गोइंग टू मार्क द वाटर लेवल एंड ऐड फाइव एम एल ऑफ ऑइल टू द वाटर ओके और उसमें आपको क्या डालना है और फाइव एम एल ऑफ ऑइल अंडर स्टूड रिकॉर्ड वाटर लेवल ऑन द नेक्स्ट डे दूसरे दिन आपको वाटर का लेवल ऑब्जर्व करना है वॉट विल हैपन विद द वॉटर द वॉटर लेवल विल बी डिक्रीज वाई इट इज सो बिकॉज एज वी नो द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द रूट इज टू एप्स ऑफ वॉटर एंड मिनरल्स ओके दैट्स वाई द वॉटर लेवल डिक्रीज ओवर ईयर अंडरस्टूड एवरी वन नाव सी यूज योर ब्रेन पावर वॉट वुड यू हैव हैपेंड ई ईफ प्लांट्स लाइक टैमेरिन पेनियन एंड मैंगो हैड फाइब्रस रूट्स अगर इनको फाइब्रस रूट होता टैमेरिन टी को इमली के पेड़ को मैंगो के ट्री को तो क्या होता यूज योअर ब्रेन हीयर टैमेरिन एंड मैंगो आर वेरी यूज ट्रीज अंडरस्टूड एंड दे आर हैविंग अ ग्रैंड कैन ऑपी ऑफ लीवस और उनके जो लीव्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं बहुत ही थीक होते हैं राइट द रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स शुड भी स्ट्रोंग इनफ टू सपोर्ट दीज प्लांट्स राइट अगर ये बहुत ज़्यादा हैवी और यूज ट्रीज होते हैं तो उनके रूट्स uh, कैसे होने चाहिए उनके रूट्स भी स्ट्रोंग होने चाहिए टू सपोर्ट द ट्री ओके इफ दे हैड फाइब्रस रूट देन वॉट विल हैपेन्ड द ट्री विल अपरूटेड एंड फॉल एंड डाउन अगर उनके फाइबरस रूट होंगे तो क्या होगा वो ट्री का जो वेट है वो संभाल नहीं पाएंगे वो ट्री को जो प्रॉपर सपोर्ट लगता है वो दे नहीं पाएंगे और ट्री जो है वो उखड़ जाएगा और गिर जाएगा अंडरस्टूड नाउ सेकेंड क्वेश्चन व्हाट विल हैपन इफ द रूट टीप इज इंजर्ड एज आई टोल्ड यू बिफोर आल्सो द रूट टिप इज़ वेरी डेलिकेट इफ़ इट इज़ इंजर्ड और इफ़ इट इज getting harm what will happen the growth of the plant will be stopped understand because it will not do the proper function of the root yes they will not absorb the water and minerals properly initially that uh, tree will try to survive for some days but after that if it will not get uh, water and minerals from the soil then it will become weak and weak and the support of the tree will also become, Insufficient for it, and the tree eventually what will happen with the tree? It will die. Okay, what jo tree have Yes, understood now. See, question number three which types of fruits do the fenugreek, spinach, and onion plants have? When your mother bought. Uh,

पर वो जो होते हैं वो ज्यादा जमीन के अंदर नहीं जाते हैं ओके एंड स्पिनच ऑल्सो हैविंग टैप रूट विच बियर्स मेनी सेकेंडरी रूट्स आल्सो नेक्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व वेन योर मदर विल ब्रिंग द वेजिटेबल अंडरस्टूड सम ऑफ द रूट्स ऑफ द स्पिनच आर सीन ग्रोइंग हॉरिजोंटली ऑल्सो इन द सॉइल यस नाउ ओनियन ओनियन हैज फाइब्रस रूट्स And these roots are uh, growing from the disc shaped structure which is at the base of the onion. Yes. And onion is a modified stem. Understood everyone. Okay. Now see. Do you know? Roots emerging from the trunk and branches of a banyan tree grow towards the soil. Here. we are going to learn about one more modification of the root yes so the example is given to you is of the banyan tree banyan tree ke jo roots hote hain wo kahan se uh, nikalte hain from the trunk trunk means stem and branches of the tree yes growing towards the so soil Trunk और branches से जो roots निकलते हैं वो कौन सी दिशा में जाते हैं सॉइल की तरफ जाते हैं okay? दीज रूट्स आर कॉल्ड प्रॉप रूट्स मतलब जो हमें हवा में लटकते हुए रूट्स दिखाई देते हैं बेनियन ट्री के उनके उनको क्या बोलते हैं प्रॉपरूट्स यस वॉट कुड बी द यूज़ ऑफ दीज प्रॉप रूट्स अभी इनका क्या यूज़ है क्यों ये रूट्स ग्रो uh, होते हैं वाई दे आर ग्रोइंग ऑन द बनियन ट्री इन द बिगिनिंग द बेनियन ट्री हैज़ वेरी फ्यू प्रॉप रूट्स बट लेटर ऑन देयर नंबर इंक्रीजे सो मच दैट इट अपेयर्स लाइक अ स्मॉल फॉरेस्ट शुरू में बैनियन ट्री के बहुत ही कम प्रॉप रूट्स होते हैं बट एज देयर एज द ग्रोथ विल हैपन टू द बनियन ट्री द नंबर ऑफ क्रॉप रूट्स विल बी प्रॉपरूट्स विल बी इंक्रीज ओके एंड इट विल अपेयर लाइक अ स्मॉल फॉरेस्ट एकदम से छोटे से जंगल की तरह वो दिखाई देने लगते हैं इन कोलकाता टू हंड्रेड एंड फिफ्टी ईयर्स ओल्ड बैनियन ट्री इन द इंडियन बोटेनिकल गार्डन कवर्स अ वेरी लार्ज एरिया ओके कलकत्ता में एक दो सौ पचास साल पुराना बैनियन ट्री है कहाँ पर है वो इंडियन बोटेनिकल गार्डन में उसने बहुत बड़ा एरिया जो है वो कवर करके रखा है इट इज़ सपोर्टेड बाय थाउजेंड्स ऑफ प्रॉपरूट्स कितने सारे रूट्स है उसको थाउजेंड्स ऑफ प्रॉपरूट्स हैं इज देयर एनी सच ट्री इन यूर नेबरहुड आपके नेबरहुड में भी ऐसा कोई ट्री है क्या इफ इट इज देअर यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व इट केयरफुली ओके नाउ सी यार यूर गोइंग टू फाइंड आउट वाई आर द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट्स लाइक रेडिश कैरेट बीट एंड स्वीट पोटेटो थिंक फ्लैशी एंड सोलन विच पार्ट ऑफ द प्लांट आर दे So, these radish, carrots, beet, and sweet potato are roots as they are growing in the soil. Okay? Means as they are underground, they are the root part. Okay? And why these roots are thick, fleshy, and swollen? Yes? Because they store food in the form of starch in them. Understood? क्यों इतने थिक होते हैं फ्लैशी होते हैं और ऐसे फुगे फुगे से क्यों होते हैं मोटे से क्योंकि उनमें फूड स्टोर किया होता है कौन से फॉर्म में स्टार्च के फॉर्म में अंडरस्टूड एवरी वन यू आर गोइंग टू कलेक्ट इमेजेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स एंड सेंड देम टू योर फ्रेंड्स वाया ई मेल ओके अगेन यू आर गोइंग टू कलेक्ट सम इमेजेस ऑफ टाइप्स ऑफ फ्रूट्स एंड शेयर देम विथ योर फ्रेंड्स ओके So, children, till here we have completed the topic of root, okay, in part 1 and part 2. The next topic, which is TAME, we will see in the next part of this lesson, okay. I hope you all understood today's topic very well. And I tried my level best to explain each and every difficult term which is new for you, right? And then, also, if you are having any doubts about the topic, you can ask me in the comment section below this video. Okay? I will definitely give its answer. And your comments are very important for me, children. And I am reading your comments and I like your comments also. Yes? So, children, thank you for watching this video.